नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ी सी अलग खबर लेके आई हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए घर वापसी, धन परिवर्तन, लव जिहाद और ऐसे बहुत सारे मामले लेकर आई हूं, पर ये मामला थोड़ा सा अलग है। ना ये धर्म परिवर्तन है, ना लव जिहाद है और ना ही घर वापसी। आप सभी जान रहे होंगे कि हम सभी के अनोखे चहेते, सबके दिल में बसने वाले टाटा जी अब नहीं रहे। रतन टाटा जी का देहांत हो गया और हम सभी जानते हैं कि वो सबके दिलों में हमेशा राज करेंगे। भले ही वो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा सबके दिलों में राज करेंगे। तो उनके जैसा होना बहुत बड़ी बात है। उन जैसा बिजनेसमैन कभी कोई हुआ नहीं और शायद ही कभी कोई होगा। पर ऐसे भी और भी बिजनेसमैन हैं अपने देश में जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत दान पुण्य, मतलब हर एक काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, बहुत सारे लोग हैं। तो आज मैं जो आप लोगों को खबर बता रही हूँ वो मुकेश अंबानी जी की है। रिलायंस, हम सभी जान रहे हैं कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। तो आप चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि घटना क्या है, उन्होंने क्या किया है। चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। यह दान मंदिर के पुनर्विकास, सुविधाओं के सुधार हेतु उन्होंने सहायता की है, ताकि मंदिरों में और भी सुधार कार्य हों, इसके लिए उन्होंने सहयोग किया है। मुकेश अंबानी अक्सर धार्मिक स्थलों जैसे सामाजिक कल्याण के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी विभिन्न मंदिरों और धर्मार्थ संगठनों को उदारता पूर्वक दान दिया है। सभी जानते होंगे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। यह दान उत्तराखंड सरकार के उस बड़े पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा हो सकता है, जिससे इन पवित्र स्थलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य है। मुकेश अंबानी जी का यह कदम धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दान के साथ ही अंबानी परिवार का इन पवित्र स्थलों के प्रति श्रद्धा भाव और धार्मिक स्थलों के लिए संरक्षण में उनका सहयोग एक बार फिर से उजागर हुआ है। और एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया, मतलब एक बार फिर से उन्होंने ये चीज दिखा दी कि वो कितने श्रद्धालु हैं और कितने धार्मिक हैं। आप जब बताइए, हमारे देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन जब भगवान जी में इतनी आस्था रखता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी भगवान जी में आस्था रखिए, तो आप लोग भी भगवान जी में श्रद्धा रखिए, वो सबकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और पहली बात तो ये है कि जब आप अपने आसपास के लोगों, इतने बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं कि वो लोग कैसे, उनकी आस्था है किस तरीके की आस्था है, तो आप लोग के अंदर भी थोड़ी सी जागरूकता बढ़नी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों के क्या विचार हैं मुकेश अंबानी जी के इस दान के लिए, आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुकेश अंबानी जी के लिए जरूर सभी लोग 4 शब्द जरूर लिखिएगा उनकी अच्छे इस कदम के लिए और अच्छी सोच के लिए, और ऐसे ही वो आगे भी सोचते रहें, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। मैं भी बहुत बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।